हेलो नमस्कार सभी का यूट्यूब चैनल पर मैं अनित पाई और आज यहाँ पे अपन रिव्यू करने वाला थी ऑल न्यू 2023 बजाज पल्सर N160 OBD2 का एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू विशाखा बजाज कोलकाता जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल प्रोडक्ट तक लाने के लिए। अगर आप उद्योग रहते हो आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना है परचेस करना है तो आप जरूर शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस वीडियो के दौरान आपको पता है 2023 N160 को क्या क्या नया अपडेट देखने को मिलती है, कैसे नया प्राइसिंग आया एंड इसमें कितने कलर्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते से की से कि यहाँ पर दोस्तों बजाज का ब्रांडिंग सबको नॉर्मल की देखने को मिल जाती है, इसको सब इंग्लिश में डाल देते हैं यहाँ पे। एंड अब अगर बात करें कलर्स प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स की तो इसमें जो आपको टोटल दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपका सिंगल चैनल ABS एंड डुअल चैनल ABS। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट देख रहे हो ये आपका डुअल चैनल ABS, ठीक है। एंड कलर स्कीम की बात करें इसमें जो टोटल चार कलर स्कीम देखने को मिल जाते हैं जो कि आपका ब्लू प्रिंट ब्लैक, रेसिंग रेड, कैरिबियन ब्लू एंड टेक्नो ग्रे। टेक्नो ग्रे शायद डिस्कंटिन्यू हो चुका है लेकिन आपको कैरिबियन ब्लू, रेसिंग रेड एंड ब्लू प्रिंट ब्लैक देखने को मिल जाएगा। एंड ब्रुकलिन ब्लैक सॉरी कैरिबियन ब्लू एंड रेसिंग रेड दोनों में आपको जब डुअल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये इस कलर स्कीम हो गया, बाकी सभी कलर स्कीम का फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नाम के साथ जब मैंने बताया होगा। अगर प्राइसिंग की बात करो इसका प्राइसिंग आपको बताया था तो इसका जो ऑन रोड प्राइस कोलकाता में विशाखा बजाज में देखने को मिलेगा वो है आपका 159,320 रुपीज़ का ऑन रोड प्राइस कोलकाता विशाखा बजाज में देखने को मिल जाएगा। तो वाकान वाले स्टार्ट करते हैं तो सर इसका इग्निशन ऑन कर देता हूँ। तो इग्निशन ऑन करते इसका कोई भी हेडलैम्प सेटअप यहाँ पर जलता हुआ नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ जो दो DRL दिया गया है एंड यहाँ पर जो आपका बाईफंक्शनल LED प्रोजेक्टर दिया गया है, इसमें हाई बीम लो बीम दोनों यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपका फ्रंट नंबर प्लेट होल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड अगर वाइजर की बात करूँ तो यहाँ पर जो है ग्लॉस ब्लैक में सॉरी मेटालिक ब्लैक, ग्लॉस ब्लैक, शाइनी ब्लैक जो कह सकते हो उसमें आपको जो है ये कलर वाइजर का दिया गया है। एंड यहाँ पर रेड एंड व्हाइट का जो स्टिकरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं दोनों साइड पर, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा ऑफ करते हैं एंड यहाँ पर अगर बात करें थोड़ा साइड प्रोफाइल तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एजी एंड शार्प लुक इस मोटरसाइकिल आपको दिया गया है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा इंडोरेंस की तरफ से, यहाँ पर देख सकते हो इंडोरेंस का ब्रांडिंग या फिर स्टिकरिंग बैजिंग दिया गया। अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करो तो यहाँ पर 37mm का फ्रंट सस्पेंशन दिया गया, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। एंड अगर फ्रंट डिस्क की अगर बात करो तो यहाँ पे जो आपको 300mm का फ्रंट डिस्क दिया गया। फ्रंट टायर की अगर बात करो तो यहाँ पे अभी आपको जो है यूरो ग्रिप का फ्रंट टायर देखने को मिलेगा। एंड टायर सेक्शन की अगर बात करो तो 180x70 का जो फ्रंट टायर दिया गया। एंड यहाँ पे दोस्तों ग्रेमिका का ब्रांडिंग दिया गया। एंड यहाँ पे जो आपको ABS रिंग देखने को मिल जाता है एंड अलग देख सकते हो ब्लैक के साथ रेड एंड व्हाइट में आपको फ्रंट अलॉय दिया गया है। टायर पैटर्न एक बार आप देख सकते हो, बाइक थोड़ा सा गंदा है क्योंकि बारिश हुआ है कुछ टाइम पहले बारिश हुआ है तो यहाँ पे जो आपको टायर थोड़ा गंदा देखने को मिल जाएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बाइक को डिलीवरी लोगे तो यहाँ पर आप आराम से जो बाइक को वॉश करके बाइक आपको दिया जाएगा। फ्रंट मडगार्ड यहाँ पर फ्लोटिंग मडगार्ड दिया गया, आपको मेटालिक ब्लैक एंड यहाँ पे मैट ब्लैक में मडगार्ड दिया गया। एंड फ्रंट मडगार्ड यहाँ पे ग्रे, व्हाइट एंड रेड का स्टिकरिंग दिया गया एंड मडगार्ड जो ब्लैक में। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डुअल चैनल ABS का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्टर है दोनों साइड पे जो है आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। अगर साइड की बात करो तो बाइक देखते तो फुल एक नेकेड मोटरसाइकिल है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश मोटरसाइकिल है बजाज की तरफ से निकल के आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आपको जो है पल्सर का D-क्रोम में 3D लोगो देखने को मिलेगा एंड OBD2 का आपको मैं दिखाया था, OBD2 का स्टिकरिंग भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर टैंक की बात करो तो यहाँ पर जो आपको 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा एंड माइलेज की अगर बात करो तो यहाँ पर 40 से 45 km का माइलेज देखने को मिल जाएगा। एंड इन टैंक की तरफ से तो यहाँ पर देख सकते हो E20 का अपडेट इसमें अब आ चुका है, तो ये मोटरसाइकिल अब जो है E20 फ्यूल कंपेटेबल बन चुका है। एंड यहाँ पर देखते हो यहाँ पे USB चार्जिंग पॉकेट भी दिया गया, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो साइड में यहाँ पे मैट ब्लैक में दिया गया, ये पार्ट जो है मेटालिक ब्लैक एंड यहाँ पे आपको जो ग्रे, रेड एंड व्हाइट का स्टिकर इस साइड पे दिया गया। एंड यहाँ पे देख सकते हो क्रैश गार्ड दिया गया, यहाँ पे आपका सिंगल पीस हॉर्न दिया गया। एंड यहाँ पे जो बेली पैन या फिर अंडर जो इंजन गार्ड कह सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन या फिर फ्लोटिंग इंजन गार्ड दिया गया जो कि आपका 3 कलर्स में मेटल मैट ब्लैक, ग्रे स्टिकर एंड आपका जो मेटालिक ब्लैक कलर इसमें दिया गया है, ठीक। एंड अगर इंजन की बात करो तो इंजन में वैसे कुछ अपडेट आया नहीं, बस बेसिक्स पेस्टू नॉर्म्स के साथ अब इंजन आने लगा। तो इसमें आपको जो है 164.82 cc सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड BS6 फेज 2 OBD2 इंजन देखने को मिल जाता है विथ 5-speed गियरबॉक्स। एंड अगर पावर फिगर्स की बात करो तो इसमें आपको 16 PS का पावर मिलेगा एंड 14.6 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो है यहाँ पे आपका रियर ब्रेक लीवर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका राइडर फुट पैक जो कि फोल्डेबल रबर कोटेड दिया गया, आपको रियर फुट पैक देखने को मिला पिलियन का। एंड यहाँ पे आपको जो बॉक्स फिटिंग स्विंगम देखने को मिल रहा है। सीट की अगर बात करो यहाँ पे स्प्लिट सीट दिया गया एंड सीट में आपको पल्सर का जो ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सीट काफ़ी ज़्यादा कुशन सीट यहाँ पे आपको देखने को
मिलता है। टैंक देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा एंड ह्यूज सा टैंक दिया गया, डिज़ाइन जो टैंक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दिया गया। यहाँ पर जैसे व्हाइट एंड रेड का यहाँ पर स्टिकरिंग दिया गया एंड यहाँ पे चले तो यहाँ पर आपको जो अंडरवेल एग्जॉस्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, नाइट्रॉक्स एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलेगा जो कि रेड कलर के साथ देखने को मिल जाता है। आपको स्प्लिट जो टायर हगड़ दिया गया एक इस साइड पे दिया गया एंड जो आपको इस साइड पे दिया गया, ठीक है। बॉक्सर में स्विंग मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। यहाँ पर जैसे N160 का जो स्टिकरिंग यहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाता है एंड ये बैक पैनल देख सकते हो दो कलर में जो कि आपका मेटालिक ब्लैक एंड यहाँ पर मैट ब्लैक में दिया गया है। अगर रियर टायर सेक्शन या फिर रियर डिस्क की अगर बात करो तो इसमें जो आपको रियर में 230mm का रियर डिस्क देखने को मिल जाएगा विथ डुअल चैनल ABS, तो यहाँ पर आपको जो ABS रिंग भी देखने को मिल जाता है एंड रियर कैलिपर जो है वो भी ग्रिमिका की तरफ से आने आता है। रियर टायर में आपको यूरोग्रिफ का देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे 130x70x70 इंच का जो रियर टायर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अलॉय देख सकते हो आपको जो है ये कलर में आपको अलॉय देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्प्लिट ग्रैबल देखने को मिलेगा जो कि ब्लैक कलर में दिया गया। टेल लैंप को झलक में दिखा देता हूँ। टेल लैंप को LED में टेल लैंप दिया गया जो कि क्रिस्टलाइज टेल लैंप यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे इंडिकेटर आपको हैलोजन देखने को मिलेगा, यहाँ पर लाइट आपको LED देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, रियर नंबर प्लेट आपका यहाँ पे फिट होगा, ठीक है। आगे से ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आपको सेम N160 का जो ब्रांडिंग यहाँ पे आपको दिया गया रेड एंड व्हाइट कलर के साथ, सेम बैक पैनल दिया गया और हनीकॉम डिज़ाइन इस साइड पे भी आपको उस साइड पे देखने को मिल जाता है। इस साइड यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ओपन चेनसेट देखने को मिल जाता है विथ साइड, यहाँ पे साड़ी गार्ड भी दिया गया। ओपन चेनसेट होने का ये मतलब है आपको हर 500 से 600 किलोमीटर के बाद इसको वॉश एंड लूप करवाना पड़ेगा। इसको मेन स्टैंड साइड स्टैंड दोनों देखने को मिल जाएगा। मेन स्टैंड होने का एक फ़ायदा ये है कि आप घर पर ही बाइक को रख के जो है चेन को वॉश एंड लूप कर सकते हो मेन स्टैंड पर लगा के। साइड स्टैंड में साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर देखने को मिल जाएगा। आपको 5-speed गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है इसमें 1 down and 4 up के साथ। जैसे बजाज का यहाँ पे लोगो दिया गया है, यहाँ पे गियर पोजीशन जो गियर है कैसे शिफ्ट होगा आप दिया गया देख सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। तो आप चलते इसके डायमेंशन की तरफ। तो अगर डायमेंशन की बात करो तो यहाँ पे अगर बात करो इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे 165mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, 154 kg का कर्वेट देखने को मिलेगा एंड 795mm इसका जो है आपको सीट हाइट देखने को मिल जाएगा। प्लस इसके हैंडल बार एंड मीटर कंसोल की तरफ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्यूबलर हैंडल बार दिया गया है जैसे आप देख सकते हो, मीटर्स काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया गया जो कि काफ़ी अच्छा भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देगी। और क्लच का तो कांच क्लच जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट क्लच यहाँ पर दिया गया, स्लीपर क्लच नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाइट क्लच यहाँ पर आपको दिया गया। स्विचर्स के बाद पास लाइट यहाँ पर, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का स्विच यहाँ पर, हॉर्न यहाँ पर, इंजन की स्विच यहाँ पर, प्रोजेक्टर का लाइट एंड यहाँ पर सेल बटन, ठीक है। इंजन ऑन करते हुए हॉर्न जो काफ़ी ज़्यादा लाउड होने यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। अब चलते इसके मीटर कंसोल की तरफ। सबसे पहले आपको साइड स्टैंड का सिग्नल देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर का सिग्नल यहाँ पे, हाई बीम का सिग्नल देख सकते हो यहाँ पे, बैटरी चेक यहाँ पे, इंजन मैन फंक्शन यहाँ पे, ऑयल चेक लाइट यहाँ पे, आप देख सकते हो हाई शिफ्ट RPM लिमिटर का लाइट यहाँ पे, ABS का लाइट यहाँ पे, फिर से इंडिकेटर यहाँ पे, न्यूट्रल का लाइट यहाँ, टैकोमीटर मिल जाएगा RPM या गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिलेगा, स्पीड देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, ओडो ट्रिप वन इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा यहाँ आपको जो है फ्यूल देखने को मिल जाएगा। सब चेंज कर सकते हो, सबको जो ट्रिप वन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ट्रिप वन यहाँ से चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 1 देखने को मिलेगा यहाँ पे देख सकते हो, फिर से चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रिप टू यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 2 यहाँ पे, डिस्टेंस टू MT एंड यहाँ पे ओडो एंड यहाँ पे देख सकते हो आपको इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिल जाता है। तो अब चलते बाइक को स्टार्ट करते, इसके एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ आपको, जो हेडलैम्प है वो जला के दिखा देता हूँ। तो अब जैसे बैकलाइट स्विच पैनल दिया गया जैसे कि हर पल्सर में दिया जाता है, फिर से इसका जो हेडलैम्प है कुछ ऐसा जलता हुआ देखने को मिलेगा, इसका लो बीम जल रहा है एंड इसका हाई बीम यहाँ पर जलता हुआ देख सकते हो। एक स्विच जो दिया गया यहाँ पर, इससे आप चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो, जैसे प्रोजेक्टर इसका ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। टेल लैंप मैंने आपको एक पहले दिखा दिया, फिर से एक बार दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड एग्जॉस्ट आपको सुनाया था, तो यही था 2023 बजाज पल्सर N160 OBD2 का डिटेल वर्क। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।